आज मैं पीर बाबा की जहाँ पर ख्वाजा पीर जी जहाँ इस दरगाह पर आया माथा टेकने आया हूँ, इन लोगों ने मेरे को मंत्र किया था आइए प्रसाद का, यहाँ पर आप प्रसाद का थोड़ा सा हमारे साथ लिए, मैं ठीक है मैं आ गया, इनके साथ शेयर किया। और ये लोग, ये नौजवान मेरे साथ जो खड़े हैं, लोग खड़े हैं, ये थोड़े अंदर से दुखी हैं, जिमीदार दुखी है। और ये गांव है पंचायत मानचक ब्लॉक खौड़, जो खौड़ कॉन्स्टिट्यूंसी है जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मैं इन सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने मेरे को आज यहाँ आमंत्रित किया। इसी के साथ बड़ा दुख हुआ जहाँ पर आज देखकर, यहाँ पर कितने लीडर हैं, यहाँ पर मंत्री भी हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, एक ख्वाजा पीर की जहाँ जहाँ इसके लिए रास्ता नहीं है, लोग खेतों से आ रहे हैं, ये लहा कहाँ लोग अपने अपने खेतों अपने अपने लोग कहाँ महल बनाए जा रहे हैं, इस भगवान के घर के लिए कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पर कोई करोड़ों करोड़ों रुपये इनके लोगों के बैंक बैलेंस हैं, करोड़ों करोड़ों के लोगों ने कोठियाँ जम्मू शहर में बनाई है, लेकिन इसके लिए ये शेड नहीं बना सकते हैं, उसके लिए छत नहीं है। हमारे ख्वाजा पीर को आज यहाँ धूप में रखा है और बारिश में रखा है, ऐसा क्यों? भगवान ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, मैं दुआ करता हूँ कि मुझे इस काबिल बनाए, अगले साल आऊँ और जहाँ तक मैं आपके लिए कम से कम शेड दो डाल के दूँ, ये मेरी की मुराद है। बाकी यहाँ का यूथ भड़का हुआ भाई, इस यूथ को गवर्नमेंट के आगे आगाह करता हूँ, इस यूथ को संभालो, बेरोजगार है। आज बोलते हैं जी बॉर्डर पॉलिसी, आपने एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं बॉर्डर सर्टिफिकेट आईबी का, मेरे को बताओ एक आप बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? आपने एक नियत रखी है भाई जिसकी 8 लाख के ऊपर ज़्यादा इनकम होगी वो बॉर्डर का सर्टिफिकेट नहीं उसका बनेगा। मैं एक आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, आप लोगों से ही जो आप कैमरे के अंदर अंदर बंद कमरे में भाषण देते हो या कानून बनाते हो कि जब पाकिस्तान से गोला आएगा वो देखेगा ये 8 लाख वाला है या 5 लाख वाला है, वो कभी नहीं देखेगा, वो ना अमीर देखेगा ना गरीब देखेगा। ये अपनियाँ थोड़ी इसमें अपने थोड़ी इसको चेंज करो इन बच्चों को। और साथ में एक जो हमारी बेटी एक गांव से दूसरे गांव आती है बॉर्डर पर उसकी शादी होती है, तो एक इन्होंने कानून बनाया है कि आप लोग 15 साल का जहाँ प्रूफ हो 15 साल का, वो 15 साल कहाँ जाएगी? एक पढ़ी लिखी हमारी बच्ची होगी जो बहू आएगी, वो 15 साल तो अपने घर थी, वो 15 साल जहाँ का कहाँ प्रूफ दे पाएगी? जब तक 15 साल जहाँ पर वो हो जाएगी तब तक वो बूढ़ी हो जाएगी, उसको नौकरी कहाँ मिलेगी, ओवर हो जाएगी। ये ऐसे कानून मत बनाओ, इस कानून में थोड़ा संशोधन करो, इस कानून में थोड़े चेंज करो। ये चेंज करने की बात है, डोमिसाला बनाते हो आज स्टेट से आउटर चले आए, नौकरी अप्लाई करते हैं तो आप बोलते हैं नहीं जी स्टेट से लेटर ले आओ, लाडली बेटी का आपने एक दिया है नहीं जी उसमें स्टेट से लेटर ले आओ, अलग अलग क्यों कानून मार रहे हो आप? लोगों को क्यों भड़का रहे हो भाई? ऐसा मत करो। यही बात पर मैं यही शुभ कहता हूँ, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।